जोहार सती जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोहरे कर्म मेला अब समाप्त हो चुका है, लोगों ने पूरा दिन भर का समय दिया अपनी भाषा संस्कृति को लेकर के। प्रदीप महतो जी हैं, दुर्गा चरण महतो जी भी हैं, आज का कार्यक्रम को लेकर क्या कहें। सबसे पहले जितेंद्र जी आपको स्वागत और आपके सारे लोगों को जो आपके देखने वाले हैं, आने वाले हैं, आपको पसंद करने वाले लोग। दोहरे कर्म अखाड़ा ये पहली बार नहीं हुआ, विगत दो तीन वर्षों से हो रही है। और जितेंद्र जी आपको मालूम होगा कि दिन पे दिन ये जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, इनकी प्रासंगिकता और लोगों के इसके प्रति चाहत और किसी लिंग भेद जाति वर्ण विशेष सारे को छोड़ के झारखंड के जो भी स्थानीय लोग हैं, जो भी यहाँ खतियानदारी है और जो यहाँ के माटी से जुड़े हुए हैं, वो लोग स्वतः संज्ञान लेते हुए स्तुतिवाद ये पूरे कार्यक्रम में कंट्रीब्यूट करते हैं और लाखों नहीं हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। देखिए बड़ा बात है जितेंद्र जी, जब एक मास लेवल पे कोई काम होती है तो मास लेवल में जब काम होती है तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत नगण्य हो जाता है और सब लोग जब उसमें भागीदारी देती है तो जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सहयोगात्मक है, एक सांस्कृतिक के कल्चर को बचाने के लिए एक मुहिम है। और हम मुहिम में हर कोई चाहता है, जिसकी जितनी अपनी औकात है, जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार वो अपना कंट्रीब्यूशन, चाहे वो पानी के माध्यम से हो, चाहे कपड़े के माध्यम से हो, चाहे जिस भी अन्य प्रकार की जो साज सामग्री चाहिए, लोग अपने स्तर से देते हैं और कार्यक्रम को बृहद नहीं बेहद बृहद करते हैं, ये आप देखिए। जैसे कि बंगाल में है कि जो बंधन चरण है उनके लिए अलग सिस्टम है, तो सर झारखंड में होनी चाहिए। हम मांग करते हैं झारखंड सरकार से, जैसे बड़ी बड़ी घोषणा करती है लेकिन कहीं ना कहीं वो खरा उतर नहीं पाती है। लेकिन बंगाल में देखिए, ये छो नाच हो, जुमन नाच हो, प्याता नाच हो, ये कुर्बानी नाच हो, उनको उन्होंने सेटअप किया। बहुत सुंदर हले प्रोग्राम आज, आज के दिन एक नंबर प्रोग्राम, सब तैयार हमारा ही है, सारा पर्व की तैयारी है, उत्साह तो पूरा है ही है। और हमारी जो आदिवासियत है ये कर्म पर्व में दिखता है, भाई और बहन एक साथ नाचता है, ये आज इस चीज को पूरी तरह से दर्शा रहा है। निश्चित तौर पर हम लोगों ने महसूस किया है आज बनने के बाद, आज तक संस्कृति को और जो त्योहार है, जो बैकर है, जो कलाकार है, उसको आज तक प्राथमिकता नहीं दिया गया है। राज्य में हमको लगता है कि इस बार जो हमकी सरकार बनेगी और ये प्राथमिकता के तौर पर इसको मान्यता दिया जाएगा। आज के इस कर्म महोत्सव में जितने भी छोटे छोटे बड़े माताएं बुजुर्ग जो आज शामिल हुआ है यहाँ, ये शामिल होने का मतलब ये है कि हमारे पर्व त्योहार झारखंड की अस्तित्व को धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। इसलिए त्योहार का आयोजन करके अपना संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए ये आयोजन किया गया है। राजकिशोर दा है, राजा दास दा है, क्रांतिकारी जोहार करम जोहार जितेंद्र ब्लॉक। फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि तीन साल पहले हम लोग का जो आंदोलन नहीं हुआ था, तीन साल से जो आंदोलन हो रहा है, हम लोग का पर्व, जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं कि एक किलोमीटर के दायरा में हमारा गांव है और बगल में सेक्टर है, शहर इतना लोग लेके आए हैं। मेरा बात सुनिए, आप ही का एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक किलोमीटर दूरी में मेरा गाँव है और बगल में सेक्टर है, लेकिन हम सेक्टर में मनसा पूजा करम पूजा नहीं करते हैं, जितिया पर्व नहीं करते हैं, गांव में ही करते हैं। दुर्गा पूजा जब हुआ था तो वहां पर तो झारखंड की संस्कृति का जो पोस्टर बड़ा बड़ा लगा हुआ था। नहीं नहीं मेरा बात सुनिए, हम क्या बोलो, तीन साल का ये आंदोलन का दिन है। अच्छा। आंदोलन का दिन है कि हमारी माँ बहने जो करम पूजा करती थी, जिसका वैल्यू नहीं था, वो वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गया, जिस भाषा का हम लोग का वैल्यू नहीं था वो वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गया। आपका गाँव का पर्व शहर में गूंज रहा है, देख रहे हैं लाखों लाखों भीड़ हो रहा है, तीन साल से ये दिन है, मतलब आंदोलन का असली जीत हमारा यही है। सबका दिल में जहान में घुसा कि नहीं भाई, हमारा भाषा माइकोरा का भाषा है, अगर इसको छोड़ते हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा पर्व हमारे शहर के बीच में आ गया, गाँव को उजड़ कर बनाया गया शहर, और गाँव को जब उजड़ा गया और शहर बनाया गया तो गाँव सिर्फ नहीं उजड़ा, हमारा संस्कृति उजड़ा है, हमारा भाषा उजड़ा है। लेकिन ये आंदोलन का देन है कि तीन साल से वही सब वापस आ गया, ये आंदोलन का देन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अपना कैमरा का माध्यम से झारखंडी जनमानस को दिखाने का काम किया, और आज जोहार नहीं करम जोहार करेंगे, क्योंकि आप करम पर्व में कर्म प्रकृति को दिखाने के लिए आए, कर्म को दर्शाने के लिए आए, लोगों को बताने के लिए आए, इसलिए कर्म जोहार आपको। जी बिल्कुल, हमारी फसल और नस्ल दोनों जिंदा थी, कहीं ना कहीं वो दबे कुचले शोषित वंचित और पीड़ित थी, कहीं ना कहीं उनको दबा गया था, उछला गया था, और कहीं नहीं अब आने वाला दिन में उसको दरकिनार किया गया था और प्राथमिकता नहीं मिल रही थी, लोगों के बीच आ नहीं रहा था, लोग शर्मा रहे थे, अपने आप को
नीचा महसूस करते थे कि इस प्रकार का संस्कृति, इस प्रकार का पर्व करने के लिए, तो वो उस चीज को हटा करके मॉडर्न युग जो विनोद बाबू ने नारा दिया था, पढ़ो और लड़ो, पढ़ लिए, लड़ने के लिए तैयार है और नया झारखंड का नव निर्माण करने के लिए हम लोग युवा पीढ़ी आज एक चट्टान का एकता का परिचय दे रहे हैं। जिस प्रकार से आने वाला पीढ़ी कैसे जानेंगे, जागेंगे, लोगों को संदेश कैसे पहुंचेगा कि कर्म क्या है, किस लिए मनाया जाता, क्यों मनाया जाता, कैसे मनाया जाता, क्षेत्रीय कलाकार है उनको एक प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, उनको एक मंथली सिस्टम, जिस तरह का मैया योजना अभी चला है कि 60 साल का बाद उस तरह का जो यहाँ एक ही साल से हम आपको ये एग्जाम्पल का दौर में दे रहे हैं, साक्ष का दौर पे दे रहे हैं, जो अभी ताजा उदाहरण आप देख पा रहे हैं, जीता जागता आपके पास सबूत है उसके तर्ज पे दे रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जिस प्रकार के दूसरे राज्य में जो दिया जाता प्रोत्साहन राशि, उन लोगों को बढ़ावा मिले, सरकार द्वारा इन लोगों को संरक्षण मिले, सरकार द्वारा यहाँ के जो लोकल कलाकार है, क्षेत्र कलाकार को बढ़ावा दे, बड़ा मंच मिले और कहीं ना कहीं इनको एक उचित राशि मिले जो यहाँ के क्षेत्र कलाकार है, तभी ये फूलेंगे, फलेंगे, उपजेंगे और तभी से ये लोग विकसित होना चालू होंगे और हमारा भाषा, हमारा संस्कृति जीवित रहेगा और ये देश में, इस राज्य में ही नहीं बल्कि अलग राज्य में भी अपना पहचान बनाने का और झंडा गाड़ने का काम करेगा हमारा संस्कृति। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और करम जोहार आपको, बाकी आप सभी की भी करम जोहार, जोहार जोहार, झारखंड, जय झारखंड।